आप सच में बेड क्लीन कर रहे हो? मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, चक्कर आ रहा है। ओ गॉड गाइस, इसने अभी पूरा मिक्सचर खा के पूरे बेड पे गिराई है एंड शी इज लिटरली क्लीनिंग बेड। कह रही है कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं पिलो ही ठीक कर लेती हूँ। चूटू। चलो टॉय अच्छे से। ओ गॉड, हैव यू सीन इट? सही से रख रही है। बस बस चूटू, बस बस कर दो आज। ओ गॉड, चूटू लिटरली अपना मिल्क का बॉटल आज खुद से किचन में रखी है और अब चूटू झाड़ू लगा रही है। आपने पानी में तो सब्जियों को धोते हुए देखा होगा, बट कभी दूध में देखा है? हमारे घर में सब्जियां दूध से धुलती है। वाह वाह वाह, की गंगा बह रही है हमारे यहां। वाह 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 वाह। एक्चुअली गाइज, इस बाल्टी में दूध का पैकेट पड़ा था और वो उसी में फट गया। देखो कोविड की वजह से सारी सब्जियों को धो के पहले यहाँ रखा गया है। अब इस बाल्टी का स्नान करा नहीं है, सब बम बम किया है और सब बम बम किया है। सॉरी गाइज, धुला नहीं, साबुन शैम्पू से। और ये देखिए टाटा स्काई का क्या सही इस्तेमाल किया कर रहे हैं लोग सब्जी सुखाने के लिए। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज है 30th June एंड 20 days लेफ्ट फॉर माई बर्थडे। अरे मेरी जान, आज मेरा बर्थडे नहीं है। किशिदो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं लोगों को बता रही हूँ कि मेरे बर्थडे में 20 days बाकी है। ओके ओके बेबू। तो मेरे बर्थडे में 20 days बाकी है एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज इस बार का बर्थडे थोड़ा सस्पेंस से भरा है। बिकॉज आई एम वेटिंग कि अगर जुलाई में मेरे कॉलेज खुल गए तो शायद मैं कॉलेज जाऊंगी, और अगर नहीं जा पाई तो घर पे इस बार फुल फैमिली गेट टुगेदर होने वाला है। बिकॉज मेरी तीनों दी, जीजू, भैया, भाभी, मम्मी, मैं सब रहेंगे। जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है, निधि तुम्हारी बड़ी वाली दी कौन सी है, छोटी वाली दी कौन सी है, तो सबके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इस बार आप लोगों को सबसे मिलने का मौका मिलेगा। सो आई कांट वेट, मतलब ऐसा लग रहा है बस मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं 20 days का। और अभी मैं आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने बहुत देर बाद, बिकॉज मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी कल का। और ब्रेकफास्ट में आपको मेरे प्लेट में रोटी सब्जी से ज्यादा कुछ और ही दिखेगा। सो मैंगो। समर सीजन में आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट तीनों इनकम्प्लीट है अगर आप साथ में मैंगो नहीं खा रहे हो, तो आम के बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी छत पे, बिकॉज कल जो हम आम लेके आए थे श्रीदी ने दिया था अचार के लिए, उसको छत पे सुखाना है। चुटू, ऊपर मैंगो डालने जा रही हूँ रोड पे, खाओगी नहीं ना? पाव भारी नहीं है ना? पक्का ना? Yes, मैं देखूंगी कैमरा में कि तुम मैंगो तो नहीं खा रही हो, छत पे कैमरा लगा है। रख दो यार, तुम पेंसिल लेके घूम रहे हो, अपना होमवर्क करो। अब्रांश, अभी तो मैम आएंगी ना, बता देंगी तुमको अच्छे से। हाँ सारा चली चुटू। हाँ चलो। क्या कर दूं? हैंड सैनिटाइजर। बेबू तुम इससे अच्छा बोल दो मौसी सैनिटाइज कर दो। हैंड सैनिटाइजर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वर्ड है। चलो अंदर चलो। टच नहीं, टच नहीं। ये लोग एक्चुअली कहीं जा नहीं पाते हैं, तो ये लोग छत पे भी जाने के लिए इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। छोटू मजा आएगा ज्यादा। गाइस ये सफाई देखने के बाद तो मेरे को लग रहा है सच में अब स्कूल और कॉलेजेस खुलने वाले हैं, तो सब लोग गेट सेट रेडी हो जाओ। इतने अच्छे से सफाई हो रही है, अब तो पक्का खुल रहा है स्कूल और कॉलेज भी। यो मोटू खुल रहा है ना? रोग इतनी तुम मेरी याद में बहुत
ज्यादा बहुत रोगी कि तुम्हारा झाड़ू कौन लगाएगा, बेड कौन सही करेगा, और क्या खाना कौन बनाएगा, जाके भी दोपहर का बनाओ खाना। गाइस आजकल इसका रोज रोज का हो गया है, खाना बनाने को बोलती है मेरे को। मन तो करा नीचे कूद जाओ, कितना अच्छा हवा है, वाओ। मेरा तो मन करा उन लोग के साथ जाके सफाई कर रहे हैं, पानी में इतनी गर्मी है। छोटू जाओगे स्कूल बेटा, तुम्हारा भी स्कूल है, खुल रहा है। छोटू अब ब्रांच का एडमिशन इसी स्कूल में होने वाला है गाइस। मैं सब कर लूंगी। सब कर लूंगी, स्कूल में चल जाओगी। क्या करोगे स्कूल में? सब पढ़ाई करूंगी। तुम पहले एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चा आया है मेरे पास, नॉक किया है, बोला है सोनू मौसी मम्मा बोल रही है, रूफ पे जाओ रेन होने वाला है, मैंगो उठा लो। ये तो ठीक है, उसके आगे का लाइन बोला है कि मम्मा बोली है चुटू और अब्रांस को लेके जाओ। क्या ये तुम सही में बोली हो? सुबह में चुटू को लेके गई थी, अभी अब्रांस को लेके, किसी को नहीं लेके जाने वाले हैं, ठीक है ना। हम अकेले मिल्क जो है तुम ही तो नहीं पी के सो गए हो। सुलाने के लिए दोनों अपना मिल्क पी लिया, हम सोए रह गए और ये दोनों को देख ही रही हूँ, दोनों क्या कर रहा है, कोई नहीं सोया दोनों में से। वाह बेटे वाह वाह, कैसे सुलाए लोगों से पूछो। दोपहर में दी पूछ रही है वो अपने बच्चों को दोपहर में कैसे सुलाए, एनी टिप्स आइडियाज। आज तुम दिन में क्या कह रही थी कि सोनू मौसी क्या बोलती है, वेलकम टू माय बैक टू माय चैनल। याद कर लिया यार सिवा दिए। आज कर रहे हैं हम अपना सबसे सिंपलेस्ट और हेल्दीएस्ट लंच, खिचड़ी पापड़ चोखा, एंड लुक एट चूटू जो कि सिर्फ पापड़ खा रही है। वो फ्लैट का लाइट चला गया है, सबके घर में लाइट है बट आपको दिख रहा होगा उधर डार्क है। मोटू तुम चढ़ोगी या हम ही चढ़े यार, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। सब तो ऊपर ही है सोनू, गिरा हुआ कौन है? सब तो ऑन ही है, छोड़ दो मत करो फिर, चला किसी और का ना गिर जाए, गिर जाए। गाइस मोटू के दिमाग में अभी अभी आया है कि घर के अंदर भी एमसीबी है, शायद वो गिर गया हो। चेक इट आउट मोटू, ये भी तो सब गिरा। एक जो ब्लू वाला है ऊपर वो नीचे आएगा क्या? हाँ पता नहीं, मेरे को नहीं पता, नहीं नहीं आएगा, ऊपर कर दो यार। ये सब नहीं करो, जो नहीं पता है वो मत करो, छोड़ो, नहीं करो नहीं करो नहीं करो। क्या हुआ? अरे नहीं करो ब्रो, तुम नीचे फोन करो, नीचे फोन करो। इस दी अभी सोच ही रही है बगल में पूछने का, और उन दोनों को देखिए यार, शाउट मत करो। लाइट आ गया। अच्छा ये लाइट आ गया है, इसी जी। गाइस मोटू का आज ईसीजी होने वाला है और उसका डर से हालत खराब है, विश हर लक, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हार्ट ठीक है, दिल तो बच्चा है जी। हंस रही है मास्क के पीछे। हाँ इसको इंजेक्शन बहुत पसंद है, रोएगी कह रही है मम्मा को दे दीजिए। चूटू चूटू सदमे में ऐसे आते, छोड़ दो छोड़ दो, उसको मत करो ऐसे। चलो अपनी खुशखबरी शेयर करो लोगों से, पहले सैनिटाइज बाद में करना, इसको तो कोविड का ही टेंशन है, ये नहीं यहाँ दिल का धड़कन में क्या क्या हो रहा है,
चलो चलो जल्दी बताओ। अरे यार बात करना ना सैनिटाइज। अब ये क्या और यार, हाँ आप बस गाइज ये देखिए क्या किए, ये इसको भी सैनिटाइज किया। वाह 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 यार, ये मशीन से निकला था ब्रो। कोई बात नहीं, उसके हैंड में तो गया था। मोटू का ECG हुआ है, विच इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अगर किसी को नहीं पता हो ये, तो उससे ये पता चला है कि इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्ट वैसे भी इसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम था नहीं, बस इसको थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो इसको लगा तो क्या हार्ट में तो प्रॉब्लम है ही मेरे। क्या दिल में प्रॉब्लम हो रहा है? जीजू चाहिए टाइम दिखाओ। बस 8 बजे वो अभी तक घर नहीं आया, तो क्या होगा? ECG कराना। किसको मसल्स पेन है ना मोटू? हाँ तो उसको मसल्स पेन है, बट फिर भी कल हम एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे। लिली पुटियंस को समझाओ, उसी टाइम सारा हरकत करना है दोनों को। अभी देखो ना क्या कर रही हो, पूरा दुनिया का शेयर कर रही है। चूटू क्या कर रही हो? लेकिन इसको तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था, तुम इसका वीडियो में देखना, इसका शक्ल एकदम सीरियस होके तुमको देख रही थी। मम्मा को क्या हो गया था बेटा? मम्मा को उन लोगों ने क्या किया था? क्या कर रहे थे वो लोग मम्मा को? चूटू ए हमारा ऑर्डर आ गया, नूडल्स नूडल्स एंड मंचू का ऑर्डर, ये ले लो। चल चलो अब इसका प्रोसेस करो सैनिटाइजेशन का। तुम दिन भर मोटू सैनिटाइज ही करते रहती हो, सुबह से उठती है सैनिटाइज करती है। ओ ए चूटू तुम्हें वाटर चाहिए था ना, मैं वाटर देने में थोड़ा लेट किए तो तुम ये क्या की? एकदम चुप रहो, तुमसे मैं बात नहीं कर रही हूँ। चेस करना था इसलिए इसको तोड़ के चेस के गोटी बात कर रही हूँ, सुनाई दे रहा है तुम्हें? इधर इधर उधर नहीं, बुला तो अपना उसे, सारा कप मैं उठवाऊंगी आज उससे। इधर आप, तुम लोग लाइफ में आखिरी बार शांति से कब बैठे थे? कभी नहीं। चुटू तुम आखिरी बार कब बैठी थी शांति से? अभी इन तो बैठी हुई है। तुम्हारा बेटा क्या बोला है? हम इसको बोले तुम्हारी मैम का मैसेज आया है कि वीकनेस बहुत लग रहा है, ठीक है? तो मेरे से क्या कहता है, उनसे पूछो ना कल भी आएंगी। मारूंगी ना, इसमें मजाक नहीं। बोलो मैम की तबीयत, एक तो मैं इसको बता रही हूँ कि तुम्हारी मैम की तबीयत खराब है, ऊपर से इसको इसका पड़ा है कि कल भी आएंगी। बोलो कि जल्दी मैम ठीक हो जाइए और प्लीज। चलो बोलो जल्दी जल्दी, मुझे छुट्टी दे दीजिए। अरे यार जल्दी ठीक हो जाइए। गाइज आज डिनर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया हमें, क्योंकि आज जीजू बहुत लेट आया है। इट्स 11:45 राइट नाउ और मैं अभी अपना डिनर कर रही हूँ। और सच पूछो तो मेरे को तो अब अपना डिनर दिखाने में से थोड़ी शर्म सी आ रही है, क्योंकि कल ही मैंने बोला था कि मैं सूप पीऊँगी और आज ही इतना हैवी सा खा रही हूँ। बट ठीक है, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी चना मूंग आलमंड सब फुला दिया है पानी में, और मैं फिर से एक बार मोटिवेशन के साथ कल से स्टार्ट करूंगी डाइट। विश मी लक कि मैं कर पाऊँ। एंड अब खा रही हूँ तो दिखाई देती हूँ क्या ही होता है। आई एम हैविंग 1 रोटी, थोड़ा सा पुलाव, दाल फ्राई, पनीर, ये घर में बनाया है, ये मंचूरियन हमने बाहर से मंगाया था, एंड दिस मैंगो। आज के लिए बस इतना ही, कल मे भी हम लोग जा रहे हैं बाहर फॉर शॉपिंग एंड दी का रेगुलर चेकअप। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग।